Hello learners, welcome to today's session. I am Urmi, SEO Home Science at NIOS, and today I will be talking to you about the guidelines, criteria, and precautions to be observed and followed while selecting textiles and clothing. So, our topic today is selection of textiles and clothing. इट इज़ बेस्ड ऑन योर लेसन ट्वेंटी सिक्स ऑफ मॉड्यूल फाइव इसी संदर्भ में हमारी नेक्स्ट गाइडलाइन आती है प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन अब कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनकी अपनी एक यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड होती है जैसे कि डिफेंस सर्विसेज हैं पुलिस सर्विसेज हैं इनकी अपनी एक वर्दी है जिसका एक स्टिपुलेटेड डिज़ाइन है और एक ड्यूरेबल ब्रीदेबल रिंकल फ्री ईजी टू मेनटेन इनका कपड़ा है अब इसमें कोई वैरायटी या इनोवेशन की गुंजाइश नहीं है या संभावना नहीं है ऐसे ही कुछ व्यवसाय हैं जैसे डॉक्टर्स उन्हें अपने मूल वस्त्र या बेसिक कपड़ों के ऊपर एक वाइट एप्रन या कोट पहनना ही होता है और ऑपरेशन थिएटर में उनके अपने ग्रीन या ब्लू स्क्रब्स होते हैं अब वकील लोग हैं उनका ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है वो उन्हें काला कोट पहनना ही होता है कुछ ऐसे जॉब्स हैं जैसे कॉर्पोरेट जॉब्स हैं उनमें फॉर्मल कपड़े पहनने पड़ते हैं जैसे बिजनेस सूट्स वगैरह विशिष्ट व्यवसाय हैं जैसा गोताखोर फायर फाइटर्स इनके कपड़ों की अलग ही विशिष्टता होती है जैसे गोताखोरों को वाटर रेजिस्टेंट कपड़े पहनने पड़ते हैं और फायर फाइटर्स को वाटर प्रूफ और फायर रेजिस्टेंट कपड़े पहनने पड़ते हैं इसी तरह जो कुछ लोग बहुत ज़्यादा फर्नेस वगैरह में काम करते हैं उनके कपड़े कॉटन के होते हैं क्योंकि कॉटन जल्दी से आग को पकड़ता नहीं है और ब्रीदेबल भी होता है अवशोषण उसमें नमी अवशोषण का गुण है तो सूती कपड़े उनके लिए बिल्कुल ठीक रहेंगे इसी तरह से जो किचन में बहुत ज़्यादा काम करते हैं उनको भी पसीना सोखने वाले कपड़े पहनने हैं जैसे कॉटन और ऐसे कपड़े जो जल्दी आग को ना पकड़े तो कोई एक्सीडेंट ना हो पाए तो अपने प्रोफेशन को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए हमें कपड़े किस तरह के लेने हैं ऐसे जिनका कलर कट डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द ड्रेस कोड ऑफ द प्रोफेशन हो फॉर्मल स्मार्ट एंड एलिगेंट स्टाइल्स हो सोबर कलर्स हो लेस यूज ऑफ ट्रिमिंग्स बहुत ज़्यादा साज सज्जा उसमें नहीं हो एक्सेसरीज़ जो है वो बहुत एलैबरेट नहीं हो बहुत ज़्यादा दिखावटी ना हो एब्जॉर्बेंट हो ब्रीदेबल हो ईजी टू लॉन्डर हो एंड रिंकल फ्री हो जिससे कि आप हमेशा स्मार्ट लगें बिल्कुल शैबी नहीं लगें कम्फर्टेबल हो और ड्यूरेबल फैब्रिक्स हो और वर्कमैनशिप या कारीगरी उनकी बहुत अच्छी हो अब अगर हम गुणवत्ता की बात करते हैं तो हमें गुणवत्ता की जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है वो हमें मिलती है लेबल्स एंड मार्किंग से क्योंकि लेबल्स एंड मार्किंग्स जो हैं ये गुणवत्ता के इंडिकेटर्स हैं या संकेतक हैं ये विशेषता चार प्रकार के होते हैं जैसे ब्रांड लेबल्स डिस्क्रिप्टिव लेबल्स सर्टिफिकेशन लेबल्स और इन्फॉर्मेटिव लेबल्स ब्रांड लेबल्स में कपड़े को किस कंपनी ने बनाया है उसका ब्रांड लिखा होता है या वस्त्र किस कंपनी ने निर्माण करा है उसका नाम लिखा होता है जैसे बॉम्बे डाइंग लिखा होगा या रेमंड लिखा होगा या जो ब्रांड कपड़ों को बना रहा है डिफरेंट इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं नेशनल ब्रांड्स हैं उनका नाम लिखा होता है डिस्क्रिप्टिव लेबल्स में पूरी जानकारी होती है जैसे क्या साइज़ है क्या ये एस है कि एम है कि एल है उसका साइज़ उस पर लिखा होगा वो ये लिखा होगा अगर वो ब्लेंड है तो वो ये बताएगा कि इसमें कितना परसेंट जो है वो कॉटन है और कितना परसेंट इसमें लाइक्रा है या अगर टेरिकॉट है तो कितना परसेंट कॉटन है कितना परसेंट टेरिन है अगर नेट्स हैं तो वो बताएगा कि कितना परसेंट इसमें एक्रेलिक है और कितना परसेंट इसमें वूल है तो आप फिर कोई गलती नहीं करेंगे अगर आप ये लेबल पढ़ेंगे तो आपको लेने में बहुत आसानी होगी आप तो गर्म कपड़ा लेने गए हैं और क्योंकि आप निट देखेंगे तो आप उठा लाएंगे और पता चला वो तो एक्रेलिक है वो इतना गर्म नहीं है तो आप ये डिस्क्रिप्टिव लेबल्स पढ़ के आपको पता चल सकता है तीसरा है सर्टिफिकेशन लेबल्स कुछ एजेंसीज़ हैं जो कपड़ों को ये सर्टिफाई करती है कि ये क्वालिटी टेस्ट को इन्होंने पास करा है और इनकी प्योरिटी और क्वालिटी को हम सर्टिफाई करते हैं तो जैसे वूल मार्क होता है उसका इंडिकेशन है कि ये प्योर वूल है या सिल्क मार्क है उसका इंडिकेशन है कि इसमें कोई भी ब्लेंड नहीं है ये प्योरिटी इसमें सिल्क की गारंटीड है फिर आते हैं इन्फॉर्मेटिव लेबल्स जो आपको रखरखाव के बारे में बताते हैं जैसे इसको शेड में सुखाओ या इसको लॉन्डर जो करो वो हैंड वॉश है या ये अप इनसाइड आउट ये धुलेगा या ये टम्बल वॉश नहीं होगा या ये खाली ड्राई क्लीन होगा इस तरह के इंफॉर्मेशन वो कपड़े के बारे में देते हैं अब चलिए हम बात करते हैं गाइडलाइंस फॉर जजिंग क्वालिटी ऑफ फैब्रिक हमको कैसे पता चलेगा कि फैब्रिक की क्वालिटी क्या है सबसे पहले हम मटेरियल को देखते हैं मटेरियल छूने में बहुत आसान बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए अगर हम अपनी हथेली उस पर फिरएं तो वो कोई अवरोध ना आए उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए अब स्ट्रेंथ तो आपको पता है लर्नर्स ये फैब्रिक की फ़ाइबर के ऊपर डिपेंड करती है और फैब्रिक का कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करती है स्ट्रेंथ को जानने के लिए बहुत सारे हमारे पास छोटे छोटे टेस्ट हैं जो कि आप कर सकते हैं जब आप कपड़ा खरीदने जाएं जैसे दो अंगूठों के बीच में आप ले के कपड़े को ज़रा सा टेंशन दें और अगर वो कपड़ा झिरता नहीं है तो इसके मतलब वो कॉम्पैक्ट उसकी बुनाई है या वीव है और वो ड्यूरेबल रहेगा तो अगर आपको ड्यूरेबल कपड़ा चाहिए अपने एंड यूज़ के लिए तो आप उसको खरीद सकते हैं लेकिन अगर आपने अंगूठे से उसमें प्रेशर डाला है और वो झिर गया है तो आप समझ जाइए कि ये कपड़ा ड्यूरेबल नहीं है स्ट्रेंथ का एक और भी देखने का बहुत आ, आसान तरीका है वो है लाइट टेस्ट या प्रकाश टेस्ट आप लाइट के सामने उसको रखिए तो प्रकाश क्या करता है कि जो वीव की अनियमितएँ हैं और उनको उजागर कर देता है तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ से वीव अनइवन है अगर वीव अनवीवन है तो कपड़ा ज़रूर कमजोर रहेगा ड्यूरेबल नहीं रहेगा फिर आप बुनाई देख के देख सकते हैं कि वो कॉम्पैक्ट बुनाई है या ढीली बुनाई है उससे भी स्ट्रेंथ का पता चल जाता है दूसरा एक और तरीका है स्ट्रेंथ देखने का कि जो बाने हैं वो सेल्वेज को राइट एंगल्स पे आकर मिले अगर वो मिल रहे हैं तो आपका कपड़ा बहुत ड्यूरेबल रहेगा अब हम आते हैं वीव पर वीव कैसा है एक तो फाइबर के मूल गुण के ऊपर स्ट्रेंथ डिपेंड करती है और दूसरा वीव के ऊपर भी डिपेंड करती है ड्यूरेबिलिटी जैसे वीविंग जो हमारी प्लेन वीविंग टेक्निक है उससे एक कॉम्पैक्ट कपड़ा बनता है अगर वीव अन ईवन है तो हमारा कपड़ा जो है वो ड्यूरेबल नहीं रहेगा या कपड़े के ऊपर बहुत लॉन्ग फ्लोट्स है तो वो भी कपड़ा अवॉइडेबल है ख़रीदना क्योंकि वो फ्लोट्स जो है वो किसी भी चीज़ में अटक जाएंगे और कपड़े को खींच के वो फाड़ देंगे या खिंच जाएगा कपड़ा इवनली वोवन होना चाहिए ऐसा नहीं कि कहीं बहुत कॉम्पैक्ट है और कहीं झिरा हुआ है और जो फिलर यांस हैं यानी बाने जो हैं वो सेल्वेज पे आकर राइट right एंगल्स पे मिले। अब परिसज्जा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वो मापदंड है जिससे कि हमें कपड़े के बारे में पता चलता है जब हम कपड़े को सूँगे तो एक प्लेजेंट स्मेल आए अगर मान लीजिए एक तैलीय स्मेल आ रही है इसके मतलब इसकी परिसज्जा बिल्कुल उचित नहीं हुई है क्योंकि अगर कपड़े की बेसिक जो परिसज्जा है वो उचित हुई है तो कपड़ा बहुत प्लेजेंट स्मेलिंग होता है ईवनली डाइड हो ऐसा नहीं कि कहीं गाढ़ा है कहीं हल्का है ये भी हम प्रकाश टेस्ट से देख सकते हैं क्योंकि जब हम उसको लाइट के सामने रखेंगे तो वो जहाँ जहाँ लाइट है वो दिख जाएगा हमको तो हम समझ जाएंगे कि ये कपड़ा बहुत जल्दी रंग छोड़ेगा जो ज्योमेट्रिक पैटर्नस हैं वो सेल्विच पे राइट एंगल्स पर मिलें क्योंकि जब हम उस कपड़े को काट के उसके कपड़े बनाएंगे वस्त्र बनाएंगे तो हमें दो पल्ले जोड़ना आसान रहेगा अगर ज्योमेट्रिक पैटर्नस जो हैं वो राइट एंगल्स पर जुड़े हुए हैं और इसी तरह से जो उसका प्रिंट है वो ओवरलैपिंग ना हो उसमें या ऐसा नहीं हो कि कहीं से छूटा हुआ है कहीं ज़्यादा गाढ़ा है कोई भी जब हम उसको छू कर ऐसे देखें तो कुछ भी पाउडरी डस्ट हमारे हाथ पे नहीं आनी चाहिए अगर पाउडरी डस्ट आ रही है इसके मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारा माण लगा दिया गया है बहुत सारा माण क्यों लगाया गया है क्योंकि कपड़ा जो था वो बहुत इन्फ़ीअर क्वालिटी का था तो उसको एक चमकदार बनाने के लिए उसे वेट देने के लिए खूब मार लगा दिया उसके ऊपर तो आपको तो पता है कि पहली ही वॉश के बाद वो कपड़ा तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा और हमारे किसी यूज़ का वो रहेगा ही नहीं तो हम इस तरह से टेस्ट करके देख सकते हैं कि ये कपड़ा ड्यूरेबल रहेगा कि नहीं ये हम इस ये एक टेस्ट है अगर हम तोलिए और वेलवेट्स खरीद रहे हैं तो हमें ध्यान देना है कि उनका जो उभार है जो उनके नेप्स हैं निप्स हैं वो जो है, वो रेज हो, उनके पाइल्स रेज्ड हो और डेंस हो, घने हो, ऊपर उभरे हुए हो और बहुत घने हुए हो, और छूने में बहुत सॉफ्ट और फाइन हो हमें थोड़ा सा उनको हटाकर, उनके पाइल्स को हटाकर ये भी देखना है कि जो उनका बाना बुना गया है वो डेंसली बुना गया है कि नहीं अगर वो छितरा हुआ तो कपड़ा जो है वो मज़बूत नहीं रहेगा अब आपको पता है आजकल की बहुत फास्ट लाइफ है बहुत समय का अभाव है सबके पास और इस पैंड पैंडमिक में और भी ज़्यादा परेशानी हो गई क्योंकि पता नहीं चलता कब लॉकडाउन हो जाएगा कब कर्फ्यू लग जाएगा कब मार्केट बंद हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो गया है कि बाज़ार जाएं आप पहले कपड़ा सेलेक्ट करें फिर आप एक टेलर ढूंढें फिर टेलर के पास जाके आप एक डिज़ाइन सेलेक्ट करें फिर उसके बाद जब ट्रायल के लिए जाएं तो फिर उसको ऑल्टरेशन के लिए दें तो इट इज़ अ वेरी टीडियस प्रोसेस इसका समाधान करा है रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री ने एंड लर्नर्स लेट मी टेल यू दिस इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन इन लीप्स एंड बाउंस एंड इट इज़ हियर टू स्टे बिकॉज इट इज़ सो कन्वीनियंट टू बाई क्लोथ्स ऑफ द शेल्फ एंड वेयर दैम कितना आसान है कि आप जाएं और अपने साइज का कपड़ा खरीद लें आपको तो पता है कि ये हर साइज़ में मिलते हैं जैसे एक्स एस दैट मीन्स वेरी स्मॉल एस यानी स्मॉल एम यानी मीडियम एल यानी लार्ज एक्स एल मीन्स मोर लार्ज एंड एक्स एक्स एल एंड एक्स 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 एल भी हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में तो हम अपने साइज के अकॉर्डिंग हम कपड़ा खरीद सकते हैं और थोड़े से माइनर ऑल्टरेशन के बाद हम उनको पहन सकते हैं दूसरा ये है कि महत्वपूर्ण बात इनके बारे में यह है कि ये बहुत इकोनॉमिकल है तो हमारे लिए ये बड़े पॉकेट फ्रेंडली है सो लेट्स रीड वटर स्लाइड सेज हमें क्या देखना है इसमें कि बेसिक स्टाइल लाइन इनकी अच्छी हो आधुनिक हो शेप एंड फॉर्म अच्छा हो क्योंकि आपको पता है कि हर बॉडी टाइप अलग होती है अगर आप इन पिक्चर्स में देखिए तो देखिए कुछ ट्रायंगल होती हैं कुछ इन्वर्स ट्राइंगल होती हैं ओवल होती हैं स्क्वायर होती हैं या स्टार शेप्ड होती हैं तो हमें अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग हम कपड़े को ले लें उसका कलर हम देखें कि हमारे स्किन टोन को कॉम्प्लीमेंट करें उसका टेक्स्चर अच्छा हो उसमें बैलेंस प्रोपोर्शन रिदम और यूनिटी हो क्योंकि वो डिज़ाइन को कम्प्लीट करती है उनके फिट अच्छे हो फिट में हम क्या देखते हैं तीरा या शोल्डर्स चेस्ट वेस्ट और लेंथ जो है वो हमारी हाइट को कॉम्प्लीमेंट करती हुई हो दूसरी चीज हमें इसमें देखनी है प्राइस अब रेडीमेड गार्मेंट्स का प्राइस कैसे होता है इट इज अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक एंड द डिजाइन हमें इसमें देखना है केयर एंड मेंटेनेंस। इनका फास्ट कलर हो इजी टू लॉन्डर हो इजी टू मेंटेन हो और मॉथ प्रूफ हो अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें रेडीमेड गार्मेंट्स में देखनी है वो है वर्कमैनशिप या कारीगरी यानी कि सीम्स जो है वो डबल स्टिचिंग हो अगर सिंगल स्टिचिंग होगी या बहुत मोटे धागे से उन्होंने करी होगी तो वो बहुत जल्दी उधर जाएगी तो डबल सीम्स होनी चाहिए नो पकर्स इन द सीम कोई कहीं झोल नहीं होना चाहिए फास्टनर्स एंड जिपर्स स्मूथ टू ओपन एंड क्लोज ऐसा नहीं हो कि बीच में अटक गए सीम अलाउंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको खोलना पड़ा आपका वजन बढ़ गया आपको कपड़ा खोलना पड़ा तो सीम और हेम में जरूर अलाउंस होना चाहिए या मार्जिन होना चाहिए एजेस एंड कॉलर शुड बी वेल डिफाइंड रॉ एजेस दिखनी नहीं चाहिए बाहर एंड पाइपिंग्स एंड फेसिंग्स शुड बी नीट अब मार्केट में बहुत मैल प्रैक्टिसेस हैं बहुत धांध ली है वो कंज्यूमर को लूटने के लिए कुछ भी करते हैं जैसे रॉन्ग मेजरमेंट करा उनका जो मेजरिंग रॉड है उसको उन्होंने उसमें जो मेजरिंग उनके वो हैं वो गलत है तो आपका कपड़ा आपको कम मिला या कई बार वो रॉड नहीं यूज़ करते टेबल पर से यूज़ कर लेते हैं तो आप उसको अवॉइड करिए आप कहिए नहीं आप मेजरिंग रॉड करिए और आपका ये हक है कि आप देखें कि उनका मेजरिंग रॉड जो है वो करेक्ट है कि नहीं कई बार वो पुअर क्वालिटी फैब्रिक जो है वो परिसज्जा करके एक्सपेंसिव भेज देते हैं कई बार रैंडम प्राइसिंग कर देते हैं अब प्राइसिंग किस पे डिपेंडेंट है भाई क्या फ़ैब्रिक है उस पर क्या परिसज्जा हुई है उसकी कैसी वर्कमैनशिप है उसका स्टाइल कट कैसा है और उसके पे क्या एक्सेसरीज़ यूज़ हुई हैं इन सब इन सामूहिक चीज़ों को लेके इनको सम्मिलित करके तब प्राइस डिसाइड होता है तो आप जुडिशियसली देख सकते हैं कि क्या ये प्राइस जस्टिफाइड है फिर डिफेक्टिव कई बार अच्छे कपड़ों में ही पुराना स्टॉक रख देते हैं और उसको नए स्टॉक के दाम पे ही बेच देते हैं और लेबल्स में या तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे या उसमें फॉल्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देंगे तो इन सब से आपको बचना है आपको एक जागरूक ग्राहक बनना है सतर्क रहना है कि आपको कोई इस तरह चीट ना कर सके चलिए लर्नर्स अब रिकैपिटुलेट करते हैं सेलेक्शन ऑफ फाइबर्स में हम फाइबर प्रॉपर्टीज देखेंगे फाइबर कंस्ट्रक्शन देखेंगे और फिनिशेज अप्लाइड देखेंगे सेलेक्शन ऑफ क्लोथिंग में हम देखेंगे एज क्लाइमेट ओकेजन और प्रोफेशन लेबल्स जो हैं वो चार प्रकार के होते हैं ब्रांड लेबल्स डिस्क्रिप्टिव लेबल्स सर्टिफिकेशन लेबल्स और इन्फॉर्मेटिव लेवल्स मैल प्रैक्टिस क्या हैं चीटिंग इन मेजरमेंट चीटिंग इन प्राइस चीटिंग इन क्वालिटी एंड प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड लेवल्स सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे आई होप आज जो आपको जानकारी मिली है वो आपको लाभान्वित करेगी मेरी आपको शुभकामनाएं। नमस्कार